नेहा श्री और सन्नाटा फिल्म हॉरर फिल्म है. मैं फर्स्ट टाइम हॉरर फिल्म में काम कर रही हूँ. हमेशा से मैंने पारिवारिक फिल्म में काम किया है. और विकल जी बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं. इनके साथ एक बार पहले भी मैं फिल्म लाइनअप हुई थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई, लेकिन दोबारा मौका मिला है हमें काम करने का. और बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं. सब मेरे सीनियर्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं. जी, ये मेरी पहली फिल्म है और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं. सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा विकल साहब के बारे में, बड़े ही वर्सेटाइल डायरेक्टर हैं. उनके बारे में मैंने बहुत सुना, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे मुझे. और उदित जी रिनोन्ड सिंगर, परंतु रिनोन्ड सिंगर इन आज फिल्म इंडस्ट्री. और जैसा कि पद्म भूषण उन्हें और मिला है और वो हमारी फिल्म में गाना गा रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है. और इसके अलावा जितने भी हमारे सह कलाकार हैं बहुत ही अच्छे हैं. और जैसा कि अभी हमारी जो हीरोइन हैं उन्हें इतना कुछ कहा, बिल्ली आँखें और ये सब, ये एक अचीवमेंट की बात है कि इतनी सीनियर एक्ट्रेस होकर उन्होंने जो है हमारे बारे में ऐसा कहा, बड़ी खुशी की बात है. नारायण आज एबी साउंड स्टूडियो में आज भोजपुरी फिल्म सन्नाटा फिल्म का मुहूर्त हो रहा है और अम्रपाली प्रोडक्शन प्रेजेंट्स द्वारा प्रस्तुत सन्नाटा भोजपुरी फिल्म, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं कुमार विकल जी, इसके जो प्रोड्यूसर हैं हमारे पंडित जी हैं और बीएन पंडित और शिव रतन भगत जी हैं, गीतकार हैं हमारे प्यारे लाल जी और कुमार लाल जी, संगीतकार हैं अमन श्लोक जी. और बड़े धूमधाम से यहाँ सन्नाटा फिल्म भोजपुरी का मुहूर्त किया जा रहा है और गाने से रिकॉर्डिंग से ही शुरुआत होगी. मैं दुआ करता हूं कि फिल्म सन्नाटा म्यूजिकल सुपर डुपर हिट फिल्म हो, मेरी शुभकामनाएं हैं. इवेंट को कवरेज करने आए सबका शुक्रिया अदा करता हूं और स्वागत करता हूं बहुत जोरदार तरीके से. आज सावन का बहुत पवित्र दिन है सोमवार और आप इसे शिवरात्रि का महायोग कह सकते हैं. बहुत ही बड़ा पुण्य दिन है और बहुत ही 12 मास में ये सबसे पावन दिन है. और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का दिन है कि उदित जी का मुझे साथ मिला है फिर से और सन्नाटा फिल्म का आज ये बड़े जोरदार तरीके से शुभ मुहूर्त हुआ है. आज सन्नाटा पिक्चर का मुहूर्त हुआ, एक राइटर डायरेक्टर हैं कुमार विकल जी और प्रोड्यूसर्स हैं पंडित जी और शिवरतन भगत जी. मेरी ऊपर वाले से दुआ है और अभी अभी मुझे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आज बहुत अच्छा दिन है स्पेशली हिंदुओं के लिए. आज श्रावण महीने का सोमवार है, दूसरा सोमवार, एक अच्छे दिन मुहूर्त हो रहा है. हम सब तहे दिल से कि चाहेंगे कि पिक्चर कामयाब हो और अच्छी तरह से बने. हमारे जितने आर्टिस्ट हैं सब अच्छा काम करें और एक कामयाब फिल्म बने सन्नाटा, ऐसा मेरा ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है. मैं भी सन्नाटे में हूँ, यहाँ कुमार विकल जी की फिल्म है और इन्होंने मुझे सन्नाटे से बाहर निकाला था एक बार. एक फिल्म रखिया लाजा चरवाके में पहली बार मुझे ब्रेक किया था. मैं पहली बार जो कैमरा फेस किया था वो कुमार विकल जी की फिल्म थी रखिया लाजा चरवाके. आज मैं सन्नाटे से बाहर आया हूँ. वैसे तो हर कदम पर मुझे लोग ब्रेक देते हैं. अभी 4 दिन पहले हम किरण कांत वर्मा जी के यहाँ बैठे थे और वहाँ पर बात चल रही थी, किरण जी के मुँह से निकल गया कह के मैंने ब्रेक दिया ना तेरे को, मैंने ब्रेक दिया ना. इसी में एक रामू करके कैमरा मैन है जो पहले लाइटमैन था वो गुस्सा हो गया क्योंकि वहाँ पर 100-200 लोग थे. मैं 10-20 लोगों तक नहीं पहुँच पाया हाथ मिलाने के लिए, सबको हाथ जोड़ लिया. उसको ये हो गया कि अरे मेरे से हाथ नहीं मिलाया, ए टकलू झूठ बोल रहा है तू, विकल जी की फिल्म नहीं थी, तुलसी मैया था. मैं बोला नहीं, सॉरी किरण जी की फिल्म नहीं, मैं बोला नहीं उसके भी पहले एक फिल्म थी जो रखिया लगा चलवा थे. तो विकल जी के लिए तो मैं आज भी बच्चा हूँ, आज भी मुझे ब्रेक दे रहे हैं. मेरी ये पहली फिल्म है, मतलब मेरे लिए ये पहली फिल्म है, दूसरी फिल्म है. तो सन्नाटे से आज ही बाहर आऊँगा, सन्नाटा और तोड़ूंगा. नमस्कार, मेरा नाम करण सिंह है और मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ
और दिल्ली में रहता हूं मैं और कुमार साहब की फिल्म में मैं विलन का कैरेक्टर कर रहा हूं कोई अघोरी टाइप से कैरेक्टर है ये जो मुझे कुमार साहब ने दिया है मैं कोशिश करूंगा इसे निभाने की इसके लिए मुझे आपकी पब्लिक की आप सबका प्यार आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए आप पसंद करें इस रोल को मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे निभाने की कि अघोरी का रोल मैं अच्छे से अच्छा प्ले कर सकूं भी लोग बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सारे मीडिया वालों को जो आप लोग ने मुझे यहां पे डिसलाइक समझा और मैं बहुत तहे दिल से विकल जी का शुक्रगुजार हूं जो मुझे इस प्लेटफार्म पे पहुंचाया है और मुझे अपनी फिल्म में चांस दिया है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं शायद मैं यहां पे कभी नहीं पहुंचता और यहां पे इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो कि कुमार विकल जी गोस्वामी सर जी शायद मैं सपने में भी मैं सिर्फ आज तक टीवी पे ही देखता आया हूं और मेरे अंदर क्या हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता नमस्कार अस्सलाम वालेकुम कहना ये चाहूंगी कि बहुत खुशी की बात है सनाका फिल्म का आज मुहूर्त है और अलका आर्मी जी का मतलब डबिंग थिएटर में और उदित नारायण जी गा रहे हैं उनसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई और सबसे खुशी की बात यह है कि कुमार विकल साहब हमारे डायरेक्टर राइटर उन्होंने मुझे इस फिल्म में मां के लिए चुना है मां का रोल दे रहे हैं और इसके पहले मैं उनके साथ काम कर चुकी हूं तो इस नाइस में और उनके साथ काम करके मजा आया था और मजा आएगा तो बहुत खुशी हुआ हमारे लिए कि आज हम सन्नाटा का मूड करने जा रहे हैं यह फिल्म एक अलग हट करके है हम समझते हैं कि कुछ तो सभी लोग दावा करते हैं यहां पे कि हम अलग हट के बना रहे हैं बाकी लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अलग हट करके हम कुछ कर रहे हैं फिल्म सस्पेंस भरा हुआ है हम लोग के बनाने के लिए वो करते हैं बनाए भैया से और आप लोग पसंद करें उसको हमारा एक मकसद होता है कि मनोरंजन करें हम और हर फिल्म में हम कोई ना कोई एक उपदेश देना चाहते हैं एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं समाज के लिए क्योंकि हमारा समाज जो भोजपुरी समाज है अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है और हम लोग वहाँ अंधविश्वास में इतना आगे डूब चुके हैं कि जो भी आडम्बर ओझा गुणी चक्र में रहते हैं और बहुत कुछ गंवा बैठते हैं यहाँ तक इज्जत वाली गंवा सकते हैं गंवा देते हैं जैसा कि आप लोग अखबार में पढ़ते हैं तो उन्हीं का आधार मान करके हमने इसमें किया इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है केवल ओझा गुणी है लेकिन पूरी फिल्म भूत प्रेतों से भरी हुई है लेकिन लास्ट मालूम पड़ता है इसमें कोई भूत तो है